नमस्ते, स्वागत है आप सबका सुनैना की स्वादिष्ट रसोई में। बहुत ही अमेजिंग और देसी नाश्ता लेकर आए हैं। उसके लिए हम सूजी लिए हैं 1 कप। इस मेजरिंग कप से एक मिक्सी जार लेते हैं, इसमें डाल के मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको आटा की तरह से फाइन पाउडर बना लेना है। अब एक मिक्सिंग बॉल लेते हैं, आटा सूजी का जो फाइन आटा है उसको रख लेते हैं। इसको ऐसे बीच में होल कर देते हैं, जगह बना लेते हैं। 1/2 टेबल स्पून शुगर पाउडर डालेंगे, 2 पिंच नमक डालेंगे, 2 चम्मच दही डालेंगे। सबको हम मिला लेते हैं। फ्रीज का एकदम दही नहीं लीजिएगा, इसको सबको मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक आटा के जैसा डो तैयार करेंगे। हम डो को तैयार कर लिए हैं, थोड़ी देर हाथों से ऐसे मल के सॉफ्ट कर लेते हैं। इसको ढक के 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं। गैस ऑन करके एक पैन रख दिए हैं। पैन गरम हो गया है, इसमें बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को गरम होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है, हम 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं, 3-4 हरी मिर्च बारीक काट लिए हैं इसको डाल रहे हैं। इस सबको जीरा चटकने तक मिर्चा और जीरा को भून लेते हैं। जीरा चटक चुका है, मिर्चा भी भुना चुका है। 1 बारीक कटा हुआ हम गाजर डालेंगे। इसमें 2 चम्मच के करीब हम बीन्स बारीक काट लिए हैं उसको डालेंगे। 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डालेंगे। 1 बारीक कटा हुआ हम प्याज डालेंगे। 2 चम्मच बड़े चम्मच के करीब एक पत्ता गोभी है बारीक काट लिए हैं इसको डालेंगे। अदरक का टुकड़ा है जिसको बारीक हम कद्दूकस कर लिए हैं इसको डालेंगे। 1 गाजर को हम कद्दूकस कर लिए हैं इसको डालेंगे। हम आलू नहीं डाल रहे हैं इसलिए गाजर को कद्दूकस करके डाल रहे हैं बॉन्डिंग के लिए। और नमक अभी नहीं डालेंगे, हमको ज़्यादा मसाला नहीं डालना है। थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून हम हल्दी डालेंगे, 1 टेबल स्पून हम कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। 1 टमाटर हम बारीक काट लिए हैं इसको डाल रहे हैं। सबको चबा लेते हैं। सब्जियों को सिर्फ सौते करना है, उतना ही देर भूनना है कि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। सौते कर लिए हैं, सॉफ्ट भी हो गया है और सारा मॉइस्चर इसका ख़त्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, धनिया की पत्ती डालेंगे। इसका फ्लेम हम ऑफ करते हैं, ये सबको मिला देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। सूजी का डो बना के रखे थे, 10 मिनट हो गया। सूजी का डो थोड़ा सा कड़ा है। इसको हम हाथों पर 1 चम्मच के करीब पानी लेंगे। इसमें डाल के और मल लेते हैं, इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। सूजी पानी एब्जॉर्ब करता है इसलिए थोड़ा टाइट हो गया था। डो सॉफ्ट हो गया है, इसको हम लेते हैं। इसको थोड़ा सा हाथों में आटा लगाएंगे। थोड़ा सा इस पर आटा लगाएंगे। लोई बना लिए हैं, रोटी वैसा ही बेलना है जैसा हम लोग रोटियां खाते हैं, उससे थोड़ा सा मोटा। देखिए हम लोग रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा है। अब हम इस पर हरे धनिए की और पुदीने की चटनी लगाएंगे। हम आज 2 तरह से बताएंगे, जो आपको पसंद हो वैसे बनाइएगा। लेकिन बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी ये नाश्ता बनने वाला है। 1 चम्मच ऑयल में बस सब्जियों को सौटे किए हैं। अब ये सब्जियां जो हम
सौटे करके रखे हैं, ये ठंडा हो गया है। इसको हाथों से हम ऐसे फैला देंगे। अब देखिए ऐसे हम इसको उठाएंगे, ऐसे करेंगे, बहुत सावधानी से करना है। इसको रोल करते जाएंगे, ये सब बंद करना, खुले नहीं। थोड़ा सा इस पर आटा लेंगे, इधर बंद कर देंगे। बंद हो गया। एक प्लेट में इसको हम रख लेंगे। इस रोटी को भी हम उसी तरह से बेल लिए हैं। इसमें टोमेटो केचप लिए। नाश्ता बच्चों को बहुत पसंद आएगा, बच्चों के या बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। जो सब्जी हम सॉटे करके रखे हैं तो इस पर डाल देंगे। सबको हाथों से फैला लेंगे, उसी तरह से इसको भी हम रोल करेंगे। बहुत सावधानी से करना है। ऐसा यहाँ आटा लगाइए, इसको रोल कर दीजिए। ऐसे आप प्लास्टिक सीट पर भी बेल के और उसको रोल कर सकते हैं। इस प्लेट में इस रोल को भी रख ले। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन में चलते हैं। प्लेट लिए हैं, इसमें हम ऑयल लिए हैं आधा चम्मच। इसको चारों तरफ से हम लगा देते हैं। जो रोल बना के रखे हैं इसमें हम रख देते हैं। सान करके एक पैन रख दिए हैं, इसमें एक गिलास हम पानी डाल दिए हैं और पानी गर्म हो गया है। अब इसमें एक हम एक कटोरी रख रहे हैं, हमें रोल बना के जो रखे हैं उसको रखेंगे। पैन का ढक्कन हम लगा देंगे। इसको 10 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे। 10 मिनट हो गया, पैन का ढक्कन हटाते हैं और देख लेते हैं कि सूजी रोल का कलर भी चेंज हो गया है और बेक हो गया है। हम इस चक्कू के सहायता से इसको देख लेते हैं, चिपक नहीं रहा है तो बेक हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं, इसको ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। अब फ्रेंड हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठंडा हो गया है, अब हम इसको काट के दिखाते हैं। भेज और सूजी का रोल बन के तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी तक हैप्पी कुकिंग।